वार्तालाप की है, आपका नजरिया, आपकी आवाज। आखिरकार आईपीएल पर भी कोरोना की मार पड़ी गई। केकेआर सीएसके के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल को कुछ समय के लिए टाल दिया है। आईपीएल बोर्ड के अंतरिम सीईओ हेमंग अमीन ने बायो बबल को पूरी तरह सुरक्षित बताया था। आईपीएल खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर, अमित मिश्रा के साथ साथ गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी के संक्रमित पाए जाने के बाद कंफर्म हो गया कि सुरक्षित माने जाने वाले बायो बबल में भी कोरोना सेंध लगा चुका है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने बताया है कि इस सीजन के बचे हुए मुकाबलों को टी20 वर्ल्ड कप से पहले या बाद में कराया जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन इसी साल अक्टूबर नवंबर में होना है। बताया गया है कि आईपीएल स्थगित करने के मामले में पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अहम भूमिका निभाई है। गांगुली ने बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों को भरोसे में लेकर आईपीएल को कुछ समय के लिए रद्द करने की बात मजबूती से रखी थी। इसके लिए भी लोग दादा को धन्यवाद दे रहे हैं। फिलहाल बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी कराने की बात कही है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.